बिना चाशनी के बनी ये केवल 2 टेबल स्पून घी में बनी ये सेवई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, और ये सूखी सेवई है जो कि आप हर त्यौहार में बनाना पसंद करते हैं और ये सभी त्यौहारों में बनता है। तो बस बिना देर के भी इसको शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाइए, और उसके साथ में अगर अपनाया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है और रिफाइंड यानी 2 टेबल स्पून घी लिया है, चाहे आप देसी घी ले सकते हैं रिफाइंड ले सकते हैं, और फिर मेवे को उसमें भूनते हैं। हाँ, गरी की मात्रा लच्छे वाली गरी है, इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा यानी 1/4 कप लिया हुआ है, और मेवा जलने न पाए इस बात का ध्यान रखिए, बस उसको रोस्ट करके निकाल लीजिए। फिर बिना घी डाले उसी कढ़ाई में ये सेवई, मार्केट की जो आती है रोस्टेड सेवई होती है ऑलरेडी है, और इसको जैसे जैसे आप हाथ से ही मैश करेंगे तो ये तुरंत टूटने लगती है, और इसको डाल दीजिए और फिर भूनिए। भूनते समय जो बड़ी बड़ी सेवई हैं उसको आप तोड़ लीजिए, और फिर देखिए तोड़ते समय आप ध्यान रखिएगा हाथ ना जलने पाए, लेकिन ये देखिए कितने अच्छे से टूट जाती है जो कि रोस्टेड होती है मार्केट के ही। और फिर इसको थोड़ा सा हम और भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जलने ना पाए इस बात का ध्यान रखिए, और फिर इसको निकाल लेंगे। ये दूध मैंने पहले से गाढ़ा किया हुआ था, इसे 1/2 किलो दूध है, इसको गाढ़ा कर लिया था, और अब इसको फिर से गैस पे लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे, और इसमें हम जो सेवई मैंने रोस्ट की थी उस सेवई को डाल देंगे। हाँ, इस दूध में शक्कर बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है, और फिर इसको डालेंगे और अब लो फ्लेम पर ही इसको चलाएंगे इसमें, और बहुत तेज़ी से नहीं चलाएंगे, और चला करके इसको काफ़ी अच्छे से इसमें ये दूध को पूरा मिक्स कर लेंगे। दूध को चूँकि मैंने पहले गाढ़ा कर लिया था इसलिए इसमें ये दूध गाढ़ा है, तो 1/2 कप मिल्क और मिला देंगे, और बस अब इसी के साथ चला करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे, और पकने के बाद में इसमें शुगर डालेंगे, कम से कम 1 मिनट बाद इसमें शुगर डालेंगे, 1/4 कप शुगर है इसमें, और इसको इसके साथ डाल करके मिक्स करेंगे। पीसी शक्कर नहीं लेंगे, मैंने ऐसे ही शक्कर ली हुई है। अब इसके साथ शुगर घुलने लगेगी और ये इसके साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पकने भी लगेगा। और इसको कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा दूध लिया और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर, अगर आप चाहें तो रेड कलर भी ले सकते हैं, और इसको बहुत ही थोड़ा पिंच में एक चुटकी पर डाल करके उसके साथ मिक्स कर देंगे, फिर इसमें डालेंगे। ज़्यादा कलर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस कलर की मात्रा बहुत ही कम क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी बिल्कुल चुटकी भर होना चाहिए, और फिर उसके साथ इसको मिक्स करेंगे, यानी लो फ्लेम पर ही इसको पकाते रहेंगे। और फिर इसमें जो मैंने रोस्ट किया हुआ था घी के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे और उसके साथ इसको मिक्स करेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और इसके साथ इसको मिक्स करेंगे, और चलाते समय इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि बहुत तेज़ी से हमें इसको स्पैचुला दबा दबा के नहीं चलानी। और फिर इसमें छोटी इलायची 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे और उसके साथ इसको मिक्स करेंगे। हाँ, अगर आप फ्लेवर में कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। फिर इसको कम से कम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन से ढक करके पकाएंगे, यानी ढक्कन इस पर रख देंगे और कम से कम 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे जलने ना पाए। मैंने उसी भगोने में बनाया हुआ है जिसमें मैंने दूध औटा था। अब आप अभी देखिएगा जब मैं ढक्कन हटाऊंगी तो देखिएगा ये कहीं से भी अंदर से सेवई बनाते समय जलने नहीं पाया है। देखिए चला रहे हैं और आप बता सकते हैं, देखिए कहीं भी भगोने में चिपका नहीं है, यानी लो फ्लेम पर ही अगर आप बनाएंगे इस तरह से तो ये बड़े आसानी से ये सेवई बन जाती है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में, बहुत ही टेस्टी और उमदा सेवई बनती है। और लास्ट में अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून घी डाल सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत कम घी में और बहुत ही हेल्दी वे में बनाया गया है। आप अक्सर सूखी सेवई को जब कहीं भी खाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें घी होता है और उसके साथ में वो बहुत ही ज़्यादा चाशनी वाली सेवई, तो इसलिए मैंने इसको, आप शुगर आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस तरह से आप बनाइए तो देखिए कितनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप इसको बनाइएगा ज़रूर इस त्यौहार में, क्योंकि अक्सर त्यौहार में सेवई को सब खाते हैं, लेकिन वैसे भी आप बना के खा सकते हैं। ऊपर से आप इसमें करी के लच्छे से इसको गार्निश कर सकते हैं। इस तरह बनाइए, खाइए, पीजिए, मज़े करिए, और फिर देखिए कैसे आपकी सब तारीफ़ करते हैं।